हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कैसे दोस्तों अपने पोको के फोन में दोस्तों 4 डिजिट पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। मतलब दोस्तों आपको पिन लॉक सेट करना है अपने पोको के फ़ोन में, तो आप इसको कैसे सेट कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो, आज की वीडियो में दोस्तों बताने वाला हूँ। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों हमें पिन लॉक लगाने के लिए सबसे फ़ोन की सेटिंग को ऑन कर लेना है। फ़ोन की सेटिंग ऑन होते दोस्तों आपको स्क्रॉल करना है और दोस्तों आपको आ जाना है अपने पासवर्ड और सिक्योरिटी वाले सेटिंग पे। फिर दोस्तों आपको दिखेगा स्क्रीन लॉक, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्क्रीन लॉक पे और दोस्तों आपको पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और दोस्तों अब यहाँ पे आपको दिखेगा रिमेंबर योर पासवर्ड, तो दोस्तों आपको अपना पासवर्ड याद रखना है। अगर आप गलती से भूलते हो, इफ़ यू फॉरगेट, तो आपको अपने फ़ोन का जो भी डाटा दोस्तों आपको डिलीट करना पड़ेगा। दोस्तों अपने पिन को मत भूलना और दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो भी आप पिन कर इंटर कर रहे हो दोस्तों वो काफ़ी आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी आपको। और सबसे पहले दोस्तों आपको अपने पिन को वेरीफाई कर लेना, मतलब चेक कर लेना है आपने जो पिन डाला है क्या ये वही सेम है। जैसे कि दोस्तों मैंने 2580 करा है तो 2580 वहाँ पर दिख रहा है। दोस्तों दोबारा से मैं 2580 इंटर करूँगा और ओके कर दूँगा, आपका पिन है वो सेट हो जाएगा आपके फ़ोन में। आप देख सकते हो दोस्तों ये 4 डिजिट का पिन है जो हमारे फ़ोन में सेट हो चुका है, आप देख सकते हो। अब दोस्तों जैसे आप अपने फ़ोन में स्वाइप करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दोस्तों अपने पिन है वो एंटर करोगे 2580, आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। इस तरीके दोस्तों अपने पिन को सेट कर सकते हो। अगर दोस्तों चेंज करना है तो चेंज कैसे करना है, आपको दोबारा से दोस्तों पासवर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको स्क्रीन लॉक पे आना है और आपको दोबारा से अपना पासवर्ड है वो एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों आपको दोबारा से पिन पे क्लिक कर लेना है और दोस्तों आपको दोबारा से नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा 5 सेकेंड। उसके बाद दोस्तों गॉट इट पे क्लिक कर दो। अब दोस्तों आपको नया पिन जो लगाना है दोस्तों, अगर आप 4 से 6 डिजिट करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, दोस्तों आप ऐसे 16 डिजिट ले सकते हो। दोस्तों आप सबसे पहले आपको दोबारा से पहले पिन चेक करना है, हाँ सही सेम पिन है दोस्तों, आपको सेम नंबर दोबारा से इंटर करना है, कंफर्म योर पिन और ओके कर देना। दोस्तों आपका पिन लॉक है वो चेंज हो जाएगा आपके पोको के फ़ोन में, दोस्तों आप देख सकते हो। अब दोस्तों हमारे पहले 4 डिजिट था, अब जो कि हमारे पे 6 डिजिट हो गया, आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर करूँगा लास्ट 6 डिजिट, तो मेरा फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। तो इस तरीके दोस्तों अपने पिन को सेट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं पोको के फ़ोन में। अगर दोस्तों आपको यूज़ नहीं करना है, रिमूव करना चाहते हो, तो दोस्तों मैं वो भी बता देता हूँ। अगर आपको रिमूव करना है और नहीं करना दोस्तों, आप यूज़ कर सकते हो अपने पिन को। तो रिमूव करना दोस्तों आपको आना है स्क्रीन लॉक सेटिंग पे, दोस्तों आपको अपना इंटर करना है पासवर्ड जो भी आपका पासवर्ड है, और आपको यहाँ पे टर्न ऑफ ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक कर देना, आपका फ़ोन है वो हट जाएगा दोस्तों, पिन वगैरह दोस्तों आपके फ़ोन से अनलॉक हो जाएगा। देख सकते हो हमारे पे कोई भी पिन पासवर्ड वगैरह नहीं है पोको के फ़ोन में। इस तरह के दोस्तों अपने पोको के फ़ोन में पिन पासवर्ड को दोस्तों सेटअप कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।